राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर जाम लग गया है। एक साथ 200 पर्वतारोही 8790 मीटर की ऊंचाई पर साउथ समिट और हिलेरी स्टेप पर पहुंच गए। 8848 मीटर ऊंचाई वाला माउंट एवरेस्ट यहां से 200 फीट की दूरी पर है। भीड़ जमा होने के कारण यहां बर्फ का एक हिस्सा टूट गया। इस दौरान 6 पर्वतारोही वहां फंस गए। हालांकि इनमें से 4 लोग रस्सी के सहारे वापस ऊपर आने में कामयाब रहे। वहीं 2 पर्वतारोही, एक ब्रिटिश और एक नेपाली, हजारों फीट नीचे गिरकर बर्फ में दब गए। घटना 21 मई की है, जिसका वीडियो अब सामने आया है। 4 दिन से बर्फ में फंसे होने के बाद दोनों पर्वतारोही की मौत की आशंका जताई गई है। नेपाल के टूरिज्म अधिकारियों ने बताया कि दोनों लोग 15 पर्वतारोहियों के ग्रुप का हिस्सा थे, जो एवरेस्ट की चढ़ाई कर रहे थे। बर्फ का एक हिस्सा टूटने से वो साउथ समिट की तरफ गिरे। इसे पहाड़ी का डेथ जोन कहा जाता है, जहां ऑक्सीजन लेवल बेहद कम होता है। एडवेंचर कंपनी 8 के एक्सपेडिशंस ने कहा कि बचाव कर्मी दोनों पर्वतारोहियों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अब उनके बचने की संभावना बेहद कम है। इस चढ़ाई का नेतृत्व करने वाली कंपनी ने बताया कि बर्फ का टुकड़ा हिलेरी स्टेप से गिरा था। ये चोटी के पास बर्फ का एक वर्टिकल हिस्सा था। यहाँ से दोनों पर्वतारोही तिब्बत की तरफ गिरे। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।